हेलो स्टूडेंट्स, आरसीए एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिग्री और रेडियन को समझा था, उनका मतलब क्या होता है। अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है। चलो अब यहाँ पे देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रेडियन क्या होता है। एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक यूनिट रेडियस का कोई सर्कल है, तो ये यूनिट रेडियस कितनी है, 1 मान सकते हैं हम, 1 यूनिट रेडियस। अगर इस 1 यूनिट रेडियस में पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर 1 आर्क की कोई भी अगर ये ले, 1 यूनिट आर्क ले और वहाँ से सेंटर पर कोई एंगल बनाए, तो क्या होता है आपका, 1 रेडियन होता है। ये हमने कल देख लिया था। अगर हम ये नेगेटिव डायरेक्शन में लेते हैं इधर, यानी कि क्लॉकवाइज में, तो क्या होता है, ये रेडियन, यानी कि यहाँ ये 1 यूनिट क्या है आपकी, आर्क है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, -1 रेडियन, जो हमने लास्ट वीडियो में देख ली है। अगर हम ये पूरे यहाँ पे जो ये सर्कमफ्रेंस है, इस पूरे से यहाँ पे सेंटर पर बनने वाला कोण क्या होगा, ये होगा। तो ये कितना होगा, ये आप यहाँ की ये जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी है, 2π है। तो यहाँ पे सेंटर पे जो रेडियो हो एंगल बनेगा वो क्या बनता है, 2π। और अगर हम डिग्री देखें तो ये जो एंगल बनता है वो कितना बनता था, 360 डिग्री। इसका मतलब एक रिवेलेशन में 2π रेडियन बनेगा और एक रिवेलेशन में डिग्री में 360 डिग्री बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 2π रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। यही रिलेशन होता है डिग्री और रेडियन के अंदर। तो अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस रिलेशन से हम रेडियन और डिग्री में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर कहा जाए कि 35 डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, रेडियन में। को तो कैसे चेंज करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लें तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 बाई पाई। तो यहाँ से हम इसमें एक रेडियन को इसमें चेंज कर सकते हैं रेडियन में। तो यहाँ से देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 180 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180। ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, चेंज 35 डिग्री इन रेडियन। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, एक 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो 1 डिग्री, वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। अगर यहाँ पे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 35 से, तो क्या हो जाएगा, 35 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 35 रेडियन, इस तरीके से। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 57 और यहाँ पे 5356। तो ये क्या हो गया आपका, 35 डिग्री इज इक्वल टू 7π/36 रेडियन। इसी तरीके से हम डिफरेंट डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कुछ रिलेशंस हम देख लेते हैं कि कितने डिग्री को रेडियन में किस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ से आगे हम इधर देख लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा, पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री।
उसके बाद में इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री। फिर से 2 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 8 रेडियन इज इक्वल टू 45 बाई 2 डिग्री, या फिर इसको कह सकते हैं 22 ये डिग्री, ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट नंबर से डिवाइड करके आप डिफरेंट डिफरेंट रेडियन और डिग्री में रिलेशन निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ और देख लेते हैं, यानी कि एक बार टेबल एक रुक। चलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ नया टॉपिक, और टॉपिक का नाम है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमने 10th क्लास में 0 से लेकर 90 डिग्री के बिटवीन वैल्यूज़ हमने देखी थी ट्रिग्नोमेट्री की, लेकिन 90 डिग्री से अपर जो वैल्यूज़ हैं उनको निकालने के लिए हमें क्वाड्रेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो ये होता क्या है, ये देखिए, सबसे पहले हम इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका y एक्सिस। तो अगर यहाँ पे एंगल की बात करें तो 0 टू 90 डिग्री यहाँ पे एंगल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री। अगर पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम देखें तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री। फिर से अगर हम यहाँ तक आते हैं तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, और फिर बढ़ता चला जाएगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चले यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस 90 डिग्री, यहाँ पे माइनस 180 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 270 डिग्री, और यहाँ पे आते आते आपका हो जाएगा माइनस 360 डिग्री। ये डायरेक्शंस हैं। तो अगर हम इसको मान ले फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यानी कि ये तो हो जाएगा 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बिटवीन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में आपके जो साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, सेक थीटा है और कोसेक थीटा है, ये क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव। यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ये 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। उसके बाद में आता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बिटवीन जो ये आपके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनमें साइन थीटा और आपका जो कोसेक थीटा है वो तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। रिमेनिंग नेगेटिव यानी कि टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा क्या रहेंगे, नेगेटिव। ये इनकी वैल्यू 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बिटवीन क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा और कोट थीटा तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और रिमेनिंग जो बच गए आपके साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। उसके बाद में आता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस थीटा और कोसेक थीटा तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी जो बच गए साइन थीटा, टेन थीटा,
कोट थीटा और कोसेक थीटा ये क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा और कौन से में नेगेटिव रहेगा। क्योंकि फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कोस यानी कि ऑल पॉजिटिव रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, उसके अलावा सारे नेगेटिव रहेंगे। उस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव रहेंगे। इनका पॉजिटिव और नेगेटिव रहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री से और 180 डिग्री के बिटवीन साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, बाकी जो बच गए हैं उनकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कहने का मतलब अगर हम बात करें कि टेन वन ट्वेंटी किस में आएगा, फर्स्ट में 0 to 90 आता है, 120 इसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है टेन 120 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड में टेन क्या होता है, नेगेटिव। तो हम ये बता सकते हैं कि टेन 120 की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव रहेगी। इसी तरीके से अगर हम देखें कि साइन 120 डिग्री सेकेंड क्वार यानी कौन से में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, साइन सेकेंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, आपकी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। अगर हम देखें कि कोस 125 डिग्री, तो ये हमें देखना होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस एंगल को हमें चेक करना होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इधर से हम चलेंगे, यहाँ से 0 से 90 डिग्री, तो 125 डिग्री किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब है कोस 125, यहाँ पे कोस देखो क्या है, नेगेटिव है कोस। इसका मतलब कोस 125 की जो वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। उसके बाद में अगर कुछ और देखें, जैसे कि टेन देखते हैं हम, टेन माइनस 120 डिग्री। अब ये देखना पड़ेगा टेन माइनस 120 डिग्री कहाँ से आएगा। तो स्टूडेंट्स अभी आपने एंगल देखा है, एंगल नेगेटिव किस साइड से होता है, क्लॉकवाइज साइड से, यानी कि यहाँ से चलना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से 0 से और माइनस 90 डिग्री तक यहाँ तक होता है, 90 डिग्री से माइनस 80 डिग्री तक यहाँ पे होता है, माइनस 180 डिग्री तक। तो ये जो है आपका माइनस 120 कौन से में आएगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में देखिएगा टेन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। इसका मतलब टेन माइनस 120 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये हम यहाँ से पता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें टेन माइनस 20 डिग्री तो वो कहाँ पर आएगा, देखो टेन माइनस है तो इधर से चलेगा हमारा एंगल, तो इधर इसमें आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब टेन माइनस 20 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, नेगेटिव आएगी। और भी बाकी एंगल्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ 420 यानी कि 420 डिग्री, साइन 420 डिग्री। अब साइन 420 डिग्री कहाँ पे आएगा वो आपको देखना होगा। यहाँ पे देखिए 0 पॉजिटिव है तो इस क्लॉक यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, यहाँ तक के वापस गए इधर से यहाँ तक, जब तक पहुँचे यहाँ तक कितना एंगल हो गया, 360 डिग्री। लेकिन 360 से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, तो हम फिर से चलेंगे तो यहाँ जो एंगल आएगा यहाँ पे आएगा। तो यानी कि जो ये एंगल है 420 डिग्री ये किस में आएगा, इसमें आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ये साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें देखना होगा पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव। तो हमें पता है कि यहाँ पे ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास, निकल करके पॉजिटिव आएगी। ये वैल्यूज भी निकालना सीखेंगे, पहले इस क्वाड्रेंट सिस्टम को अच्छे से सीख लें, कहाँ पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कहाँ पे वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी। अगर ये हमें पता लग जाता है तो फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा बड़े जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू निकालना। अगर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं साइन माइनस 420 डिग्री की वैल्यू देखें कि पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो कैसे देखेंगे स्टूडेंट्स, देखो एंगल यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब हम यहाँ से चलेंगे इधर से, और एक राउंड हमने यहाँ पे लगा लिया तो कितना हो गया, माइनस 360 डिग्री। उसके बाद में फिर से चलेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस 420 डिग्री, और यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट
क्वाड्रेंट मानते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव रहता है एंगल और कौन सा नेगेटिव, यहाँ पे ऑल जो एंगल्स हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। यहाँ पे ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनमें से साइन थीटा और कोस थीटा, तो सॉरी साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव रहेंगे, यहाँ पे कोस और कोसेक थीटा पॉजिटिव बाकी नेगेटिव रहेंगे। चलो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, अब हम देखते हैं इसी को अगले वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट डे मिलते हैं बाकी